महेश बिना तैयार हो चुके हैं लगभग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला ग्राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिलहाल है सुबह का समय और टाइम हो चुका लगभग सुबह के 9:30 बज चुके हैं। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों फिलहाल मैं रेडी हुआ हूँ 7-8 बजाने के लिए। तो आज 7-8 का दूसरा दिन है, जैसे कि कल माँ गोरा आई थी तो आज आएंगे महेश यानी मैसर भिना। वैसे तो 7-8 का प्रोग्राम शाम को होता है और रात को होता है, लेकिन इस बार पंडित जी का कहना है कि 11 बजे के बाद भद्रा लग रहा है, उसके बाद मैं सर बिना को नहीं ला सकते हैं। ओ आमा पैलाग ठीक छू तुम ठीक छाई? अरे रून दियो गुबड़ हुबर, आप आराम करो आप ये उम्र में। अब कब तक निकाल ला गुबर? तो मैं तो पहुंच चुका हूं जहां से मैसर बिना को बनाकर ले जाएंगे। और न के पत्न आया थे, मैं खाली आई हूँ फिर काम दाम छोड़ बैठ वहां हल्ल गुल्ल कर बैर। अरे नह ज्ञान लेट है गई हूं मैं। आमा पहला ठीक ठाक छाई? और की हरी कारोबार तमार? बस आमा हमले ठीक है, आशीर्वाद चाहिए तमार बुजुर्ग नक पंडित पहला। अरे मैं तो क्या बताऊं अब, बैठो बैठो। तो पंडित जी भी हमारे पधार चुके हैं लेकिन अभी जनता हमारी आई नहीं है। तो दोस्तों हमारे विशेष अतिथिगण आ चुके हैं। नहीं यार हमारे दाजू बड़े भाई लक्ष्मी पानू और पूरन सिंह पानू, जो हमारे आठों सालों की जान है। और यहाँ पर मैसर बिना को बनाने की तैयारियां भी चल गई है। तो हमारे मैसर बिना आज मोटे ताजे एकदम हेल्थी बनने वाले हैं, क्योंकि खूब घास लेके आए हैं। तो पंडित जी ने ढोल नगाड़ों को लगा दिया पीठा। आइए आइए पधारिए। तो हमारे बड़े भ्राता श्री लक्ष्मण सिंह पानू जी और हमारी बिटिया और हमारा बेटा ये भी पधार चुके हैं। तो दोस्तों हमारी दीदी भी पधार चुकी हैं आज। भाभी जी नमस्कार, लेट आ रहे हो थोड़ा। नमस्कार नमस्कार, बैठो बैठो। ओ आमा तैयार हुओ? अरे तो वहाँ की ऊंचाई लाई देख ला, थोड़ा तैयार हुओ? मैं सर भिन उमरियान आज है तैयार होला तीन तबे खुशी खुशी जा लूं। पहलाग पहलाग जीते रहो। तो अभी लगभग महिलाएं इकट्ठी हो चुकी हैं और दिनेशपुर से भी आए हैं, आज बहुत दूर दूर से आए हैं। और धीरे धीरे हमारे महेश बिना तैयार हो चुके हैं लगभग। तो धीरे धीरे रंग जम रहा है और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा हो रही है। दिखाओ दे मैसर बिना हमार अमली दिखा दी। जय हो मैसर बिना तमर जय जयकार। तो ये हमारी बिटिया रानी है, क्या बाजा बजा रही है यार। अरे सीख के आई है क्या? शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड।
तो दोस्तों तैयारी हो चुकी है और अब ले जाया जाएगा मैसर भिनागू नाचते गाते और झूमते हुए। तो सभी महिलाएं पुरुष इकट्ठा हो चुकी हैं। भाई साहब नमस्कार। और नेपाल से भी हमारे मुख्य अतिथिगण पहुंच चुके हैं और विदेश से बुलाया गया नेपाल से। अरे मैसर भिनागू मेरे से भी लंबे हो गए। तो मैसर भिनागू हम दीवान सिंह पानू जी के घर से बनाकर ले जा रहे हैं। चलो 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 मैसर भिना पीछे नहीं रहने चाहिए। तो अभी दीदी ने रख लिया है सर में मैसर भिनागू, क्योंकि जो चेल बेटियां होती है बहना होती है वही ले जाती है मैसर भिनागू। और गमरा दीदी को सर में रख के आराम से दी टेढ़ा हो रहा। जब प्यारी घर आयु छवि मार दीदी घाता ठुला डाड़ा सिर कोटा कोने दीदी हाथा शिरा कोट दीदी हाथा ठुला डाड़ा सिर कोटा कोने माथा मली मले नाथ रोनी भोले जी का हसीरा ना हाड़ ढोल दमुआ बजूला ढोल दमुआ बजूला भोले की बारात में सब ठुमका लगू तो दोस्तों मैसर भिना पहुंच चुके हैं। जो मैसर भिना आ गया नमा। तो दोस्तों एक आमा भी आ गए। आमा डांस कर दियो बे। ओए जय हो आमा तुम्हारे दीदी का दीदी आमा की जय हो। अरे आमा डांस कर जो। तो दोस्तों आमा का हीराना डांस। तो बड़े शान से नाचते गाते मैसर भिना आए हैं गमरा दीदी को लेने। सुस्वागतम सुस्वागतम। तो अभी यहाँ पर फूल फूल चढ़ाए जाएंगे, डांस किया जाएगा, चाचरी लगाई जाएगी। तो दोस्तों पहले चाचरी लगाई जाएगी फिर मैसर बिना जाएंगे अंदर। हो खोल दे माता खोल भवानी धार मैं के वाड़ा पाई का चारा कुटा छट को माथर जय हो जय हो जय हो। तो दोस्तों अब मैसर बिना अंदर आएंगे। चलो 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 जय हो जय हो। जय हो भगवान। तो दोस्तों अंदर महिलाओं की पूजा पाठ चल रही है
और हम थक गए हैं, पसीना बहुत है, गर्मी बहुत है, आग लगे भाभर की गर्मी। हमारे यहाँ की खाली आए हूँ भाभर को महिला देखो अभी पारा ठंड, पानी ठंड आओ खाना आ रामल पौड़ ना न रात में नींद न दिन में चैन पर नींदा हूँ कम से कम घूम फोड़ भैर नींदा बढ़िया हूँ यहाँ तो केल करो नींद में कदली छत में जाओ कदली तैलाओ कदली खाल में जाओ कदली नाओ हे भगवान। तो दोस्तों थोड़ा बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ ऐसी मजाक कर रहा हूँ थोड़ा ये कभी कभी मिलते हैं ये साल में एक आध बार इनका आशीर्वाद आशीर्वाद बना रहे जरूरी है बुजुर्गों का आशीर्वाद बस यही आशीर्वाद ही बस आशीर्वाद ही चाहिए और क्या चाहिए और किस आएंगे आप। जय हो जय हो। तो दोस्तों अभी आरती चल रही है पूजा लगभग समाप्ति की हो रहे है तो दोस्तों फिलहाल हमारी मामी जी भी आ गए हैं और मामी जी मेरे सर पूज रहे हैं। जय हो मामी पहला जय हो। तो अभी सभी एक दूसरे के सर में बिरुड़े रख रहे हैं अरे रुको ही मिले हूँ नहीं हूँ वो बूढ़ी कहाँ गई मेरी के मतलब ने वे तो बूढ़ी आले छी आग लागो क्या ये कर लो ठीक से अरे वही ना अकल वो पर कथ चरण में गए अच्छा वो तो शादी को लड्डू से जो खाओ उले पछता जो ना खाओ उले पछता अमिल को चलो खाए भरी पछता ली ना। तो दोस्तों फिलहाल दिन का प्रोग्राम अभी संपन्न हो चुका है तो अभी सभी लोग घर को लग गए हैं और दोपहर भी हो गई है धूप भी आ गई है अब शाम को सब टाइम से आएंगे कदू बजी 9 बजे। तो दोस्तों फिलहाल भोजन भोजन करके फिर से आ चुके हैं हम आठू साठू में तो जैसे कि आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है तो फिलहाल यहाँ भजन चल रहे हैं बहुत ही प्यारे और सुंदर। सभी भाई लोग आ चुके हैं तैयार हो रहे हैं चाचरी के लिए अभी पुरंदा अपना हुड़का तैयार कर रहे हैं और इधर हमारे मामा श्री भी आ चुके हैं और इधर अपने गुरुजी भी आ चुके हैं वो मस्त है भजन में और उधर बड़े भाई खड़े लक्ष्मण सिंह पानू वो भी मस्त है और बाकी सारी महिलाएं और इधर हमारी बिटिया रानी ढोलक बजाते हुए बहुत ही सुंदर और प्यारा शाबाश। अरे यार क्या हो गया यार बढ़िया लगाओ यार चराते हुए राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने जमुना तट में देखा Bye.
पिटारे में बहुत तरकस है भाई। कोई कहता है कि जंगल में मोर रहता है, ये कुछ बात नहीं बनी यार, ज्यादा तारीफ तो नहीं कर दी। नजर लग गए तेरी रटना, हिलमा चांदी को बटना। एक बार मैं गाऊंगा, इसलिए गाने गा। अरे इसीलिए तो सुर निकल रहा है। तो दोस्तों फिलहाल भजनों का रंगारंग प्रोग्राम संपन्न हो चुका है और अब लगाई जाएगी चाचरी। तो दोस्तों अभी चाचरी के लिए रेडी हो रहे हैं, पुरंदा रेडी हो चुके हैं एकदम उड़के की थाप, और इधर हमारे बड़े भाई साहब भी तैयार हो चुके हैं, हिजमा लेके आए हैं। ये देखते हैं इनका हिजमा कैसा है। Yeah।